और आज भी यार ये 2013 की जो आपदा थी ना, उसके निशान अभी तक दिखते हैं। देखिए, घर घर पूरा नीचे दब रखा, जबकि तो रिश्ता ऐसा देखिए दोस्तों, जो वेदा है ना, मैं उसका नाना लगता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे रिश्ता होता है। मैं ना, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत प्रणाम है मेरे खूबसूरत से गांव पुलना विलेज में। और जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है और कल मौसम ख़राब था और आज भी जो है बर्फ़ पड़ चुकी है रातों रात पहाड़ों के ऊपर, चोटियों के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है चोटियों के ऊपर हो रखी है बर्फ़बारी। आप देख सकते हैं सामने की पहाड़ियों से, इधर भी आप घूम के देखेंगे तो इधर भी थोड़ी सी सुबह तक थी और अभी भी मौसम ख़राब है। चारों तरफ देख सकते हैं मौसम किस तरीके से बदल रहा है और अभी भी आसमान में देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं। अभी भी जो है मौसम ख़राब हो सकता है और आज बहुत ठंडा लग रहा है एकदम। दो तीन दिन इतनी गर्मी लगी कि हम शर्ट भी पहनने लग गए थे दिन के टाइम पे, और फिर अचानक मौसम ख़राब हो गया। यहाँ से मम्मी ने जो है पानी गर्म करने के लिए रखा है बाहर पे, है ना, ये है पहाड़ी गीज़र हमारा, इससे पानी गर्म करेंगे और फिर काम आते हैं बर्तन धोने के लिए, नहाने धोने सभी चीज़ के लिए ये पानी काम आएगा। ख़राब होती है ना लाइट वगैरह, सब कुछ चले जाती है और अभी चले भी गई है। और यहाँ पे देखिए यार, अपने जो नन्हे मुन्ने साथी कैसे बैठा हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो यहीं पे सोए रहते हैं। कल तो छाता लगाया था, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी इस वजह से। तो दोस्तों अभी देखिए किचन में है और खाना वगैरह बनाने की तैयारी हो रही है, मतलब ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट बनाया हुआ मम्मी ने। पर पहले आग की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन आग जल नहीं रही है, देखो कोयले ही कोयले बचे हुए हैं, तो मम्मी पहले आग जला रही है। तो अभी कढ़ाई पे ना सब्जी रखी हुई है, गरम हो जाएगी चूल्हे पे, फिर खाएंगे। इस ठंड के मौसम में ना खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और देखिए बर्फ़दारी है, उसी के बीच हम यहाँ पे बैठ करके आराम से अगीठी सेक रहे हैं, आग ताप रहे हैं बढ़िया करके। आज बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा हो गया। तो कुछ काफ़ी देर तक हम आग सेकते रहे, गप्पे मारते रहे, और अभी ना बूंदाबांदी हो रही है बारिश, मतलब ऐसे ही चल रहा है, 2 घंटे से ऐसे ही बूंदाबांदी हो रही है। बाकी पीछे आप पहाड़ों में देख सकते हैं बर्फ़बारी हो रही है ज़ोरों शोरों से। और देखते हैं अगर कल भिंडार गांव में बर्फ़ पड़ती है तो हम जाएंगे। वेदा क्या कर रही है, वेदा इसको देखो कैसे बन रखी है, फुल पैक। बाय वेदा, बाय वेदा, बाय, प्रणाम कर तो, प्रणाम कर तो, जय का जय, जय कर। तो रिश्ता ऐसा देखिए दोस्तों, जो वेदा है ना, मैं उसका नाना लगता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे रिश्ता होता है। मैं नाना, नाना प्रणाम, नाना हूँ, ठीक है। तो दिन का टाइम हो गया, अब जो है थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंतजार खाने का तो इनको रहता है, ये देखो। और यहाँ पे आग ताप रहे हैं ताई जी, मम्मी, सभी लोग। मेरा जूता फाड़ दिया उसने। और यहाँ पे मिश्रू देखो, यहाँ पे बैठे, ये देखो मेरा जूता। अरे क्या कर रहे, यहाँ पे छोड़। लंच तो हो गया, लेकिन जो बारिश है वो लगातार जारी है, देख सकते हैं पूरे, मतलब कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। और सुबह हमने अगीठी जलाई थी पानी गर्म करने, अभी भी पानी गर्म है उसमें, बट आग बंद हो चुकी है। जो है पापा को लेने जा रहा हूँ पांडुकेश्वर गांव में, स्कूल के छुट्टी हो गई आज थोड़ी जल्दी 3 बजे। और भाई पहाड़ों में जो बर्फ़ लगी हुई है, जो बादल लगे हुए हैं ना, उससे और खूबसूरत हो गया है मौसम। देखिए पहाड़ों में किस तरीके से ना पूरे गांव के आसपास जितने भी पहाड़ हैं बर्फ़ पड़ रही है चोटियों में, ऊपर देखिए बादलों की मूवमेंट बहुत अच्छी लग रही है, और सामने देखिए पहाड़ पूरे बर्फ़ से कवर हो चुके हैं, और सामने पे आप देख सकते हैं यहीं पे सिर्फ धूप लगी हुई है, बाकी सब जगह छाव है। तो
और ये पार्किंग है जहाँ पे मैंने अपने टाइगर को खड़ी कर रखी है, और आज सुबह से भीग रही है टाइगर। कवर लगाना मैं भूल गया था, उसके बाद आने की हिम्मत नहीं हुई, तो अभी लगाऊंगा मैं। बाकी मौसम और व्यू देखिए अपने गांव का खूबसूरत सा। दोस्तों आ गया मैं पापा को लेकर के, और अब जा रहा हूँ मैं नीचे घर की तरफ चाय पीने, क्योंकि हाथ की बज गई है बैंड। क्या और ऐसे मौसम में ना जलेबी खाने का अलग ही मज़ा है। जलेबी पांडुकेश्वर में मिल जाती है, तो इसलिए वहाँ से लेकर के आए पापा, खा रहे हैं अभी। तो जलेबी पसंद है ना तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई लव जलेबी करके लिख सकते हैं, पता चलेगा कितने लवर हैं जलेबी के। ये भी खाने के लिए आ गए, ले। अरे 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 कैसे देख रहे, ये ज़्यादा मीठा मत खाओ यार। दोस्तों बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अभी आग के सामने बैठेंगे और चाय वगैरह रेडी होगी। यहाँ पे मिशू भी बैठा हुआ है। चाय कौची अभी नहीं बने बने। दौर ना चाय दौर। तो यार मैं पांडुकेश्वर से आ भी गया पापा को लेके, मम्मी ने कहा था चाय बना के रखूँगी, और चाय नहीं बनाई अभी तक। काफ़ी गम होता है, मेरे हाथ बिल्कुल -3 डिग्री टेम्परेचर में है। मिशू मिशू तैयार हो चुकी है आग के सामने, और मिशू अभी सो गया था गोद में मेरे, अब नीचे बैठ गया फिर से है मिशू। अरे आजकल बिस्तर के अंदर घुस जा रहा भाई, पता ही नहीं चल रहा कंबल के अंदर है कहाँ है। बहुत सातिर चोर हो रहा है, सातिर ओ शातिर। और बहुत सारे लोग मिशू को समझते हैं कि वो लड़की है, मिशू लड़का है मिशू लड़की नहीं है, नाम ही मिशू ऐसा रखा कि सब समझते हैं लड़की है। और जो जितने सारे बच्चे थे वो उनका पापा है मिशू, जो कल भी दिखाया था, और जो 5 बच्चे हुए थे 5 में से जो 3 बचे हुए थे जो इधर उधर घूमते थे, तो मिशू उनका पापा है। है मिशू इधर देख, इधर इधर इधर। और दोस्तों यहाँ पे ना मिशू को शायद चूहा दिख गया, तो चूहा ढूंढ रहा है, खटपट हुई और शांति से ढूंढ रहा है। तो अभी ना दोस्तों जो भी चारा होता है, चारा तो ऐसे घास खाती है गाय, और कुछ अलग चारा होता है, बाकी आटा चावल कुछ भी जो मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा रखा रहता है, जूठा खाना उनको नहीं देते, तो रोज़ थोड़ा पीना पीना बोलते हैं हम, पीना वगैरह जो है अभी मम्मी देने जा रही है गाय को, क्योंकि आज वैसे भी गाय जंगल गई नहीं, घास मतलब जंगल में खाए नहीं, घर पर तो दिया था, मौसम ख़राब रहता तो जंगल नहीं भेजते उनको, तो अभी जो है चारा देने जा रहे हैं। और जिसका इंतज़ार ना सभी लोगों को था कि गांव में एक प्यारा सा मंदिर जो शिवालय शिव जी भगवान के लिए खासकर बनाया जाए, तो बन मतलब लगभग तैयार होने वाला है मंदिर, बस कुछ एक आध महीने और लगेंगे। ऊपर से छज्जा भी तैयार हो गया जो ऐसे ट्रायंगल में रहता है, फिर एंट्रेंस यहाँ से होगा, यहाँ से एंटर करेंगे, और मूर्ति जो है भगवान जी की अंदर लगाई जाएगी शुद्धि करके, और अच्छे से मतलब वो बस तैयार होने वाला है, रेडी हो जाएगा फटाफट रेडी हो जाएगा, तब तो फिर मंदिर में आते जाते रहेंगे मंडे टू मंडे या पर डे आएंगे, क्योंकि पास ही रहेगा मंदिर। थोड़ा मंदिर में ना एक शांति सी महसूस होती है, एक मेडिटेशन होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि मंदिर या कोई भी ऐसा पवित्र स्थान तीर्थ स्थान एक ऐसी जगह होता है ना जहाँ पे सभी के विचार इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी के अगर पॉजिटिव विचार इकट्ठा होंगे, दुआएँ इकट्ठा हो जाती है उस एरिया में, उस एक पवित्र स्थल पर, तो ऑटोमेटिक वो जगह एक ऐसी वाइब्स आती है वहाँ से, पॉजिटिव वाइब्स, एक ऐसी पावर हमें पुश हमें मिलता है वहाँ से, बहुत अच्छा हम मोटिवेट हो जाते हैं ऐसी जगह से, क्योंकि सभी के विचार सभी के फ्रिक्वेंसी सेम होती है, एक पॉजिटिव विचार प्रोवाइड मंदिरों से होता है या और तीर्थ स्थानों से, गुरुद्वारों से, अलग अलग जगह से जहाँ पे लोग बिल्कुल अच्छे मन से जाते हैं, तो वहाँ पे बैठ करके मेडिटेट करना बहुत ही मज़ा आता है। और आज भी यार ये 2013 की जो आपदा थी ना उसके निशान अभी तक दिखते हैं, देखिए घर घर पूरा नीचे दब रखा, जबकि ये रास्ता बहुत नीचे था, अभी हम मलबे के ऊपर खड़े, इधर घर थे उधर घर थे, इतने सारे घर इधर थे,
सब कुछ तहस नहस हो गए और कुछ घर तो भाई इतना मतलब दब गए, इसके ऊपर इतना मलबा आ गया। यहाँ पे गेट हुआ करता था, यहाँ से अंदर जाया करते थे, बरामदा भी था, उधर पूरा घर था देख सकते हैं। अभी कुछ कुछ निशाने आपको दिख जाएगी घर की, ये देखें, यहाँ पे घर हुआ करते थे लोगों के, पूरा बरामदा हुआ करता था, जो कि अब कुछ नहीं है। तो 2013 की कुछ यादें हैं बस, ही भी ये हमारे जहन में है। और भगवान करे वैसा दिन कभी ना आए यार, क्योंकि इतनी मेहनत से लोग घर बनाते हैं। चलो कुछ कुछ घर पुराने थे, 2-3 साल पुराने थे, किसी किसी के घर तो यार मतलब 5-7 फैमिलीज ऐसे थे जिनके घर उसी टाइम बने हुए थे 2-4 महीने पहले, और जून में आई बाढ़ ने पूरा तहस नहस कर दिया था। कुछ ऐसा था यार नज़ारा, इधर देखे यार, पूरा घर के अंदर तक अभी तक मलबा भरा हुआ है। ये घर तो पूरा टूटी गया ऊपर से, कितना मतलब एक कमरा ये रहा होगा, एक वो, इधर अलमीरा, इधर के घर, पूरा बहुत बड़ा एरिया था ये। तो दोस्तों अभी घर पे पहुँचे हैं, आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, पूरे दिन भर बरसात हुई, थोड़ा बूंदाबांदी हो ही रही थी और उससे मौसम ठंडा हो गया, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रखी है। और तो बात कुछ ऐसी है कि ठंडा हो रहा है तो मैं चूल्हे पे ही हूँ आज, ज़्यादातर मैंने टाइम स्पेंड चूल्हे पे ही किया। तो अभी रोटी बन रही है बढ़िया करके, मम्मी रोटी बना रही है और केक भुजी बनाई, पत्ता गोभी, तो आज पत्ते गोभी की सब्जी बना दी है और दाल भी है, रोटी भी बन रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी।